अर्जुन, ये म्यूजिक, ये धुन, अर्जुन ये धुन, किसी गुजरे हुए वक्त की याद दिलाती है ये तो, है ना? तुमने ये धुन इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन फिर भी तुम्हें ये इतनी जानी पहचानी सी लगी। मुझे भी इससे पहले ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ। मैं इसकी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ और वो अपने आप, तुम चाहे लाख इनकार कर लो, चाहे कोई भी रास्ता चुनो, लेकिन हर रास्ता तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़ा करेगा, क्योंकि हमारे रास्ते एक हैं, हमारी मंजिल एक है, तुम मेरी मंजिल हो, मैं तुम्हारी मंजिल। नहीं अर्जुन, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो सकता है नहीं, ऐसा है, ऐसा ही है विद्या। वरना तुम ये धुन सुनकर इस तरह मेरे पास क्यों चली आती? कुछ ना कुछ है, मेरा कोई ताकत है जो हम दोनों को खींच रही है। वो क्या लगा रखा है? मैंने पूछा विद्या कहाँ है? It is very strange. हम घर लौट ही रहे थे, विद्या ने पता नहीं किसी की म्यूजिक सुन ली और राम राम करती है उस म्यूजिक की तरफ भागने लगी। किस तरफ गई वो? पता नहीं, मैं भी ढूंढ रही हूँ उसे। सो तुम इस तरफ देखो, मैं उस तरफ ढूंढता हूँ। ओके। सब कुछ याद आ रहा है, तुम्हें यकीन हो गया कि मैं राम हूं, तुम मेरी नेहा हो और मैं तुम्हारा राम हूं। मेरे बर्दाश्त की और तुम्हारी दोस्ती की हद यहीं खत्म होती है। इसके बाद अगर तुमने एक कदम भी विद्या की जिंदगी की तरफ बढ़ाया ना, तो तुम बहुत पछताओगे अर्जुन। तुम कुछ भी कह लो या कुछ भी कर लो, लेकिन ये तुम्हारी विद्या नहीं है, मेरी नेहा है, सिर्फ मेरी ही रहेगी। बस बहुत हो गया, बहुत। चलो विद्या। क्या कर रहे हो?